हेलो दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा हमारे फोन के अंदर जो हमारी ऐप होती है फोन पे, जिससे कि भाई हम ऑनलाइन पैसों की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है भाई, ये ऐप जो है वर्क होना करना बंद कर देती है। तो अगर आपके फोन में भी कभी कभी समस्या आ जाती है कि आपके फोन पे वह ऐप जो है वर्क नहीं कर रही, तो भाई कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं। तो भाई अगर आपको सेम प्रॉब्लम होगी जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आप वो सब उपाय कर लेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपकी फोन पे ऐप जो है चलने लगेगी। तो भाई सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, फोन पे ऐप बंद होती है नेटवर्क की वजह से। तो अगर आपके फोन में नेटवर्क की समस्या कभी आती है तो ऐप वर्क नहीं करेगी। तो आपको करना क्या है, आपको एक बार फ्लाइट मोड ये ऑन कर लेना है। इसको 5-10 सेकंड तक ऑन करने के बाद फिर आपको ये फ्लाइट मोड ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको ऑफ करने के बाद एक बार आपको आपके नेटवर्क जो है दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे, और अगर नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी तो भाई आपकी ऐप जो है वर्क करना शुरू कर देगी। उसके बाद आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि आपका जो फ़ोन का नेटवर्क है, जो आपका नेट चल रहा है, क्योंकि फ़ोन में अब ज़्यादातर 2 सिम होती हैं, तो आपको ये चेक कर लेना है कि भाई आपका जो सिम जो है जिसमें नेट चल रहा है उसके अंदर रिचार्ज है या नहीं है। क्योंकि जैसे देखो मेरे फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है जियो 4G से, और मेरे में वी इंडिया की भी सिम है, तो मेरा फ़ोन का रिचार्ज जियो में है। तो अगर भाई ये यहाँ पे से वी का हो जाएगा तो भाई वो भी आपको चेक करना है कि गलती से आपका नेट दूसरे में है और आप सिम दूसरा चला रहे हो, तो कहीं आपने वो तो नहीं कर रखा है, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद भी आपकी ऐप नहीं चलती है तो आपको करना क्या है, आपको भाई सेटिंग्स के अंदर जाना है फ़ोन की। फ़ोन की सेटिंग्स में अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप्स वाला जो ऑप्शन दिखेगा इसके अंदर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐप मैनेजमेंट आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद भाई आपको अपनी फ़ोन पे ऐप को सर्च कर लेना है, इसके अंदर देख लेना है कि आपकी फ़ोन पे ऐप कहाँ पर है। इस तरीके से फ़ोन पे ऐप को आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, ये फ़ोन पे ऐप है तो इसको आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने ये इस तरह से आप फ़ोन पे आ जाओगे। एक बार मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ फ़ोन पे ऐप में प्रॉब्लम एक्चुअली में होती क्या है। अब देखिए जैसे मैंने अपनी फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लिया है, आप देखो जिसके अंदर जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस वाला ऑप्शन है, मैं देखो बाइक इंश्योरेंस को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज लिखा, देखो यहाँ पे लिखा रिट्राई लिखा रहा है, रिट्राई करेंगे तब भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम अगर आपको भी आ रही है ना, तो इसी का इलाज मैंने आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए रिट्राई का ऑप्शन आता रहेगा, तो भाई करना क्या है, अभी मैंने आपको बताया था सेटिंग्स में जाके हमको ऐप्स के अंदर जाना है और ऐप मैनेजमेंट में जाना है, अपनी फ़ोन पे ऐप को सर्च कर लेना है। प्रॉब्लम मैंने आपको दिखा दी है, अगर यही वाली प्रॉब्लम है तो भाई 100% आपकी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। तो चलिए भाई फ़ोन पे ऐप, देखो यहाँ पे फ़ोन पे ऐप आ चुकी है, तो ये यहाँ पे कर देते हैं क्लिक। उसके बाद भाई मैंने आपको 2 सेटिंग शुरू में ही बता दी हैं जो आपको एक बार चेक करनी है, उसके बाद आपको आना है। अगर वहाँ से चल जाती है तो ठीक है, फिर आपको एक डाटा यूजेज वाला ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखिए डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई। अब देखो मेरे फ़ोन में यहाँ पे दोनों सेटिंग जो है ऑन हो रखी हैं इस टाइम, ये होती है ऑफ और ये हो रही है ऑन। तो इसमें क्या है, डिसेबल मोबाइल डाटा मतलब मेरे फ़ोन का मोबाइल डाटा इस ऐप के लिए बंद हो रखा है, क्योंकि भाई हमारी ऐप्स के अंदर ऑप्शन होते हैं कि हम ऐप का भी डाटा बंद कर सकते हैं। हमारे फ़ोन में देखो चालू होगा, देखो मेरे फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट है, नेट का वो भी चालू है, तो इस टाइम फिलहाल वाईफाई चल रहा है। तो यहाँ से मेरी इस ऐप का भाई डाटा बंद हो चुका है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके से बंद हो सकता है कि भाई आपने किसी बच्चे को दे दिया, उसने गलती सेटिंग ऑन कर दी है, ये तो आपसे भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले डिसेबल मोबाइल डाटा, तो ये ऑन होगी तो मेरा मोबाइल डाटा होगा तब भी मेरा ये ऐप नहीं चलेगा, इसे यहाँ से मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और दूसरा डिसेबल वाईफाई, तो मेरे वाईफाई भी डिसेबल हो रखा है ये देखिए, तो मैं इसको भी यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। अब ये सेटिंग करने के बाद आप जब दोबारा अपनी ऐप को ओपन करेंगे तो भाई आपकी ऐप 100% चल जाएगी। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ चलाकर, ये देखिए अब जैसे ही मैं इस पर ऑन करूँगा क्लिक करते ही, ये देखिए यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद ये यहाँ पे वो हो चुकी है, अब यहाँ से मैं कार इंश्योरेंस कर सकता हूँ। तो भाई ये है कुछ सेटिंग्स, अगर सेम प्रॉब्लम आपके फ़ोन में भी आ रही है तो आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।